नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी समाजी कारकुन और फिल्म प्रोड्यूसर मलाला यूसुफजई ने मुस्तकबिल में पाकिस्तानी फिल्म साजों और फनकारों के साथ भी काम करने का अंदिया दिया है। कनाडा में होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए मलाला यूसुफजई ने मुस्तकबिल में पाकिस्तानी फिल्मों को प्रोड्यूस करने समेत अदाकारों के साथ काम करने का अंदिया दिया। मलाला ने कहा कि मैंने पहले भी पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट किया है और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करती रहूंगी। हर किसी को पाकिस्तानी फिल्मों, ड्रामों और अदाकारों को सपोर्ट करना चाहिए। मलाला ने पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों की तारीफें करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अच्छे मौजूदात पर ड्रामे और फिल्में बनती हैं, इसलिए हर पाकिस्तानी को कोशिश करनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों को बतौर हिदायतकार या प्रोड्यूसर सपोर्ट करे या फिर बतौर मदार ड्रामों और फिल्मों को शौक से जरूर देखें। नोबेल इनाम याफ्ता कारकुन ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, शोबिज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने से ही इसे आगे लेकर जाया जा सकता है। वाज़ेह है मलाला यूसुफजई माजी में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड को प्रोड्यूस कर चुकी हैं और हाल ही में बतौर प्रोड्यूसर इनकी पहली हॉलीवुड दस्तावेजी फिल्म द लॉस्ट ऑफ द सी वुमेन का ट्रेलर भी सामने आया है।